আমার কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির কারণে আমি পাইছি আমার সম্মানীয় প্রমীলা রানী বাইদেউক আমি পাইছি। पहला महिला कैंडिडेट है आसाम, कैसा महसूस हो रहा है और सिलेक्शन का बेसिस क्या था? हमारा जो बीपीएफ पार्टी का जो आने वाले चुनाव का जो कैंडिडेट है बीपीएफ दल का, वो महिला हो गया, वो तो बहुत अच्छा हो गया। ये हमारा जो सिचुएशन है कोकराझार लोकसभा में जीतने के लिए, यहाँ में महिला के अलावा दूसरा को देने से हमारा जीतने का रास्ता नहीं है, 100 में 100 हमारा। एक बात बताइए, आप जैसे कि बीजेपी के साथ जा रहे हो, बक्सा में आप क्या किसको हेल्प करोगे, बीजेपी का या अपना दल को दे रहे हो? हमारा अलायंस बीजेपी का साथ है। हमारा कोकराझार लोकसभा में बीजेपी हमारा बीपीएफ दल के लिए सोच देंगे, बाकी जितना समस्ती है कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें बीपीएफ ने बीजेपी को हेल्प करेंगे बस। एक बात बताइए, जो आपका जैसे कि लोकसभा इलेक्शन अभी आ रहे हैं, चैलेंजेस तो बहुत होगा, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हमारा कोकराझार लोकसभा में आपसू से होगा, दूसरा से नहीं। और बाकी आसाम में जितना क्या है समस्ती है, इसमें कहीं पे कांग्रेस से हो सकता है बीजेपी, कहीं पे यूडीएफ से हो सकता है, कहीं पे एजीपी से हो सकता है, लेकिन कोकराझार लोकसभा में हमारा चैलेंज आपसू से होगा। ओके, एक बात बताइए, जैसे कि एजीपी भी आज बीजेपी के साथ आने वाला है, रात तक ऐसा कुछ हो रहा है? उन लोग का बात है, एजीपी और बीजेपी का अंदर में क्या बात चल रहा है उसको हम मालूम नहीं, बात भी नहीं किया। आने से अच्छा है,